फ्रेंड्स खमागणिसा गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है और इधर पीछे की साइड आप देख सकते हो सुरभि और मैं और पूजा और ऋषभ जा रहे हैं जीटी और जीटी से कुछ शॉपिंग करनी है सुरभि को वैसे, और मुझे भी कुछ अच्छा लगा तो मैं भी कुछ लेके आऊँगी। तो ऋषभ के पापा ऋषभ को, ओहो कीशा क्या बोल रही, शॉपिंग करेंगे? तो देख सकते हो ऋषभ के पापा ऋषभ को शूज़ पहना रहे हैं। कीशा आप क्या कर रहे हो? बस अभी हमने ऑटो किया है, ऑटो वाले भैया आ जाए फिर उसके बाद में चलेंगे आगे। क्या चले फिर नीचे? तो ऑटो वाले भैया भी आ गए क्योंकि सुरभि के पास कॉल आ गया। अब नीचे चलते हैं अपन फटाक। हमारे भैया आ चुके हैं आप देख सकते हो, और हमारे सुरभि के तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो सुरभि का क्या है कि अपनी छोटी वाली गुड़िया को वो अपने दादी सा के पास छोड़ के आई थी, वो कंटिन्यू रोए जा रही है। तो फिर सुरभि ऐसे सोच रही है पहले हाथों जाके पहले ना बेबी को लेगी फिर उसके बाद में कंटिन्यू आगे चलेंगे। क्या हुआ? चले तो पहले चलेंगे हाथोज फिर उसके बाद में। हमारी पूजा भी आ गई बट ऋषभ नहीं आया अभी तक, मुझे ऐसे लगता है ऋषभ नहीं जाने वाला। माय गॉड हमारा क्यूटी पाई भी आ चुका है, चले ऋषभ चलो। अभी हम आ गए सुरभि के ससुराल। सुरभि को देख सकते हो आप घूंघट ओढ़ के बैठी है। तो कुहू को लेना है हमें। हेलो कुहू, आप लोकेशन चेंज कर दो ना, लोकेशन डाल दे अब तू जीटी की। अरे जीटी नई वाले पे चलना है, पुराने वाले पे? पुराने वाले पे, नई वाले पे भी जाके दिखाना मुझे, कभी नए वाले में लेके ही नहीं जाती तू। चलेगी वहां पे, मेरे को मजा नहीं आता। ऋषभ क्या हुआ, आप तो पहली बार ही आए शायद है ना ऋषभ? चलो ऋषभ पहली बार ही आए, ऋषभ क्या लेने वाला है यहां से? ऋषभ तो क्या ही लेगा, ऋषभ तो बस मस्ती करेगा, कुछ खाना पीना होगा ऋषभ का, कुछ खा लेगा पी लेगा। यहाँ पे क्रिस्टल एक्सचेंज चल रही है, हाँ यहाँ से चल लेते ना। पहुँच गए पुराने वाले जीटी, यहाँ से हमारी सुरभि करने वाली है शॉपिंग। लेंथ तो कम कर देंगे ये भैया। हाय ऋषभ, हमारे ऋषभ को देख सकते हो आप, लड़कियों की चीजें पसंद आती है। ऋषभ आप लड़के हो वैसे तो, ये लड़कों की है। ऋषभ आप चवन्ना बनोगे क्या? हाँ तो देखो ये ना भैया ऐसे बोल रहे हैं आपको कि 150 में मिलेगा आपको, तो आपसे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भैया से, भैया डिस्काउंट दो क्योंकि मैं वैसे ही 4 दिन ही यूज करता हूँ इन चीजों को। आप भैया के पास जाके रिक्वेस्ट करो, जाओ कितना डिस्काउंट दे बोल दो, 50 रुपीज का ओनली डिस्काउंट दे दो। भैया तो नहीं दे रहे ऋषभ, अब बोलो भैया तो नहीं दे रहे, भैया के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। फाइनल कर लिए, एक तो मैंने ये वाली ली है, अच्छी लग रही है। ये पूजा मासी पे ज्यादा पसंद है आपको, तो कोई बात नहीं ये पूजा मासी को दे दूंगी मैं, ये वाली मेरे लिए, ये वाली बताओ तो फिर, ये मेरी है, ये अच्छी लग रही है। वाओ सेम नहीं है, कलर चेंजेस सब कुछ ही चेंजेस में, तो सेम तो कुछ भी नहीं है। तो भैया ये दो दे दो। तो हमारे ऋषभ को मिल गया, ऋषभ दिखाओ तो सही अपने फ्रेंड्स को, बोल दे फाइनली मेरे को मिल चुका है ये, फाइनली मेरे को। तो बता आपको इस कौन सा लेगा तू बता, बस यही है फिर, और ये क्रिश्चियन वाला ले ले ठीक है? नहीं नहीं यही सही है अपने, अच्छा लग रहा है। भैया पहचाने नहीं आप? हाँ, नहीं पहचाने आप? नहीं नहीं पहचान लिया, पहचाने में नहीं आ रहे आप, पहचाने में। अच्छा आप पहचान लिया है, तो ऋषभ ये और लगा ले तू। अरे यार ऋषभ, तो हमारा ऋषभ अब ये भी लेने वाला है, क्या लेगा बता, ये वाला भी चेक कर सकता है, छोटा नहीं लग रहा एकदम ही, दिखा ऋषभ, मुझे ऐसे लग रहा है छोटा है ये, फिर से ये ज्यादा छोटा है, ये ज्यादा छोटा है। ऋषभ खा रहा है कॉटन कैंडी, और इधर बन रही है देखो इस तरीके से बनती है कॉटन कैंडी, ऋषभ देख सकते हो आप। अब देखना भैया ऐसे शायद शुगर डालते हैं ना, तो ऋषभ ने पिंक वाला फ्लेवर भी लिया है और पर्पल वाला भी लिया है। तो ऋषभ की हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट,
आप जाएंगे घर पे। इधर से आ जाओ ऋषभ, इस साइड से। तो अभी हम पहुंच गए झोटवाड़ा और यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है हमारे सुरभि को। सुरभि की एक फेवरेट शॉप है, वहाँ से सुरभि शॉपिंग करेगी। मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ गई। शॉपिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम आए हैं खाटू श्याम जी मंदिर। खाटू श्याम जी मंदिर के जस्ट सामने मुझे मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इन्होंने मुझे बोला कि है ना, मेरी मम्मी भी आपके पूरे व्लॉग देखती है, मैं भी आपके पूरे व्लॉग देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई साहब, एंड सॉरी आपने बोला कि मेरे को व्लॉग में मत लेना, बट फिर भी मेरा मन किया यार। आप है ना इतने ज़्यादा स्वीट थे ना, और आप सबका ये सपोर्ट और प्यार मुझे, सच बता रही हूँ, एकदम दिल को छू जाता है। तो अब चलते हैं मंदिर। और यहाँ पे पता है ऋषभ क्या बोल रहा है? ऋषभ ऐसे बोल रहा है कि मम्मा आप है ना शूज़ के पास ही रहना, मैं तब तक है ना भगवान जी के हाथ जोड़ के आ जाता हूँ, नहीं तो पापा मुझे डांटेंगे शूज़ धो गए तो। तो खाटू श्याम जी के आप भी दर्शन कर लो हमारे साथ साथ, और अब सीधा घर पे चलना है, क्योंकि पता है कीशा को मेरे जो मामी साहू को मना उनके घर पर छोड़ रखा है ऋषभ के पापा ने, क्योंकि वो क्या बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो और ऋषभ के पापा को भी कोई काम था तो वो वहाँ है। ऋषभ के पापा आ गए और ऋषभ हमारा ये रहा है ऋषभ। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मामी सा के घर, ऋषभ के जो नानी सा लगते हैं, मेरे मामी सा लगते हैं। पुरानी नहीं, कौन सी मामी सा होते हैं ऋषभ, बड़े या छोटी बोल सकते हो आप? हाँ, बड़े वाले मामी सा के घर पे जा रहे हैं, क्योंकि कीशा को ऋषभ के पापा ने वो ज्यादा ही है ना इनको परेशान करने लग गई ना, रोने लग गई। तो फिर है ना ऋषभ के पापा ने क्या किया, आपके नानी सा के घर पे कीशा को छोड़ दिया। अच्छा आप कहीं? वैसे पूजा नहीं थी, नहीं तो आज इसकी वजह से कीशा मार रह गई, नहीं तो कीशा इधर उधर नहीं जाती। मैं तो इधर ही सो जाऊंगा। क्यों ऋषभ इतने पसंद है क्या आपको? हाँ, अरे कीशा आपने क्या क्या किया मस्ती? हाँ हेलो रितिका, तेरे लिए कमेंट आ रहे हैं कि रितिका है ना हमें व्लॉग में बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। किसमें अच्छी लगती है? और ये व्लॉग में नहीं आना चाहता तो टी शर्ट ऊपर कर ली। मेरा खूबसूरत चेहरा नहीं, एक खूबसूरत चेहरा मम्मा निकालो। नहीं नहीं दीदी। यस, ये देख सकते हो हमारे डिगी बना। ठीक है ठीक है ओके। इधर हमारा टीनू, खुश रहो। सही वास्तव में दीदी आपसे संभलती है तो सही बता रहा हूँ। कितनी दीदी बता, क्या क्या हुआ आज? आज हम ये पहले सोई हुई दीदी के, तो हमें मतलब ये हमारे पास मिनिमम हमारे पास 6:30-7 बजे तक सोई थी, तो उठ गई। हम उठी तो वो मम्मी कह रही थी मैं चल बाहर चल हम जा ही रहे। फिर हम उसको घुमाने लगे तो मैम के पैर दुखे थे, उसको हमने कंधे पे ले लिया। ये देख जिद, देख जिद, देख जिद, देख सकते हो आप, इसको देख सकते हो आप, जिद्दी खोल चला जा रितिका। मैं दुकान पे लगे, बोले चिप्स चाहिए, मैं के ठीक है बिस्किट चाहिए, मैं के ठीक है जूस का भी बोला होगा। पूरी दुकान उठा ले ये बोल रही है रितिका की बहुत जिद्दी है ताकि बेटी तो बाप पर गई है, तो बाप पे गई है। चला जा अंदर चल। ओहो तो रितिका लेके आई है मोमोज। ऋषभ नो, वाह रितिका वैसे भूख लग रही थी खतरनाक, अच्छा हुआ तूने खोल दी। चलो चलो भाई जिसको मोमोज खाना वो इधर आ जाओ। अरे हाँ यार, एक है ना कमेंट मेरे पास ये भी आते हैं कि ये ना सबका इंट्रो नहीं करवाते आप, तो ये मेरे बड़े वाले मामी सा की लड़की है जिसका नाम है रितिका, ठीक है? क्यों नहीं लूंगी, खुशबू को भी लूंगी। ये मेरे छोटे मामू सा के लड़का है जिसका नाम है दिग्विजय सिंह राठौड़, और मयंक है, ये हमारी पूजा, और ये हमारी खुशबू जो मेरे छोटे वाले मामू सा मामी सा है ना उनकी लड़की, और ये मेरे जो बड़े वाले मामू सा उनका लड़का, तो दोनों के एक लड़का और एक लड़की है, और मैं सबसे, ये हमारे राधा मामी सा। अच्छा मन मन पता क्या सुन रही हो कि घर से सब घर के है ना सबसे सुंदर बहुरानी। और ये हमारे गोपाल मामोसा, हाय करो मामोसा।
किशा को तो दिखा दिया ना भाई सब फैमिली वाले ग्रुप में मैंने तुला राशि के गुण भेजे पढ़ना ठीक है पूरे वास्ते में हैं चलो खाते हैं मोमोज पूरा फिनिश कर दिया तूने मैंने अकेले नहीं खाया इसको चार प्लेट थी गाइस यार जो वीडियो बना रहे ना ये नहीं नहीं मैंने मैंने ओनली दो मोमोज खाए थे यार तो मैंने भी पांच ही खाए थे You were chalak bro. बहुत चालाक चालाक ब्रो चालाक और सच में सबसे ज्यादा खाने वाला हाँ मैं तो चटनी पकड़ा था एक नहीं नहीं इसने इसने एक भी नहीं खाया इसने दो मोमोज एक इधर से लिया था एक इधर से लिया था और एक बड़ा मोमोज़ ने दिया था अभी मैं सीन बताऊँ ऐसा कुछ है कि अभी चार प्लेट थी अभी हमने और मंगाया मम्मी पापा से ठीक है और मम्मी से कि आज खाना भी है तो अब मैंने कह रहे कि हम ये भी खाएंगे और वो भी खाएंगे मामी सा ने फोन कर दिया उनको मामी सा कहेंगे कंठा के कौन लगे मेरे तो तीनों चेयर को कम ना ज्यादा इस मकोड़े को तो हमारे मोमोज आ गए इतना अच्छा लगता है ऋषभ आप बहुत तेज हो रहा है अच्छा किसको उधर गाइस कैसा लग रहा है मस्त लग रहा है सबको ऋषभ मेरी बारी तो आने दे मेरी भी नहीं हुआ की बारी ऋषभ मुझे पांच नहीं तो दादा से खा लेता दिखता है 100 रुपए की मोमोज मांगूंगी वो एक दिन कब आएगा एक तो तू उठाए हो बाकी दो तू उठाए एक तो तू उठाए हो बाकी दो तू उठाया पर पता मामा साहब ऐसे बोल रहे हैं कि चटनी दो चटनी जब मामी से कहेंगे इतनी देर तो चटनी मांग रहे हो और थोड़ी देर में मोमोज खाए मोमोज खाए नहीं तो अभी भी तेरा खाना बाकी पड़ा है कितने मोमोज खाए तो सबसे ज्यादा मोमोज खाते किच्चे क्या कर रही हो आप है कि मैंने सबसे ज्यादा मोमोज खाए वो तो सबको पता है सबसे ज्यादा ही तूने खाए हैं किशु देखो किशु देखो किशु ज्यादा है ना पप्पू आओ प्यार करा जो वादे करना जा रहे हैं है ना तो किशी बैठी है चलो बाय ठीक है मामी सब बाय गुड नाइट चलो किशा किशा तो नंगू पंगू ही हो गई इसके पापा इसको कंफर्ट कर देते हैं बदमाश निकर तो लेके आ गया गई तो आप सबने देखा ही था मामी सा के घर पे जाके मैं भी आ गई ऋषभ भी आ गए वो क्या था कि किशा थोड़ी ऋषभ के पापा को परेशान कर रही थी और ऋषभ के पापा को भी कोई काम था तो उसकी वजह से किशा को मामी सा के घर पे छोड़ के आ गए थे मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ जीटी से जो मैं शॉपिंग करके लेके आई थी वो दिखाती हूँ मैं आपको दो तो पैंट लेके आई हूँ खूब सारी मैं टी शर्टें लेके आई हूँ वैसे मुझे टॉप वगैरह पसंद नहीं है आपने भी व्लॉग में देखा ही होगा मैं ज़्यादातर टी शर्ट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वो कम्फर्ट भी लगती है और वो मेरे पे अच्छी भी जाती है तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी आपको ये वाली पैंट जो आजकल बहुत ही चल रही है मेरे पास थी नहीं पॉकेट वाली पैंट इसका नाम तो पता नहीं भैया ने क्या बताया था बट कम्फर्ट बहुत ही अच्छी है मतलब स्ट्रेचेबल आप देख सकते हो और बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है तो एक तो मैं ये लेके आई जो ब्लैक कलर की है फिर इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ एक ये वाली लेके आई मैं ये देख सकते हो ये भी ब्लैक ही है फिर इसके बाद में आपको अब सारी टी शर्टें मैं दिखाती हूँ आपको काफ़ी सारा टी शर्टों का कलेक्शन हो चुका है मेरे पास आप देख सकते हो सारे कलर आ गए ऑलमोस्ट सबसे प्यारी मुझे ये वाली लगी मैरून कलर की है आपको दिखाती हूँ मैं एकदम ये देख सकते हो है ना फिर इसके बाद में एक ये वाली लेके आई मैं जो कि ब्राउन कलर की है और इसके बाद में एक ये वाली लेके आई मैं देख सकते हो ये देखो बैक प्रिंट भी है इस पर ठीक है और ये वाला कलर मेरे पे बहुत ही सूट किया था और ये जो मैंने ब्लैक कलर की पैंट बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर ये बहुत ही प्यारी जाएगी ये देख सकते हो बहुत शानदार है
इसके बाद में मैंने वैसे येलो एक और ले ली, फिर उसके बाद में मुझे ये भी अच्छी लगी, क्रॉप है ये, थोड़ा सा प्यारा सा रेम्बो बना हुआ है, ये भी मुझे अच्छा लगा। फिर इसके बाद में इसका मुझे कपड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे पास, फिर भी मैंने ये ले लिया। और ये वाली ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग की है जो देख सकते हो, ये भी बहुत ही प्यारा है, मतलब इनका फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी वजह से मैंने एक ही शॉप से काफ़ी सारी टी शर्टें ले ली। अब इसको मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली जो ब्लू कलर की है, ये ऋषभ की फेवरेट थी, ऋषभ ने बोला मुझे कि मम्मा ये वाली लो, तो फिर मैंने ये वाली भी ले ली। और एक ये पीच कलर में, ये भी बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छी लग रही है ना। फिर इसके बाद में मैंने सोचा सारे कलर ले लिए, पर्पल कलर को क्यों छोड़ूं मैं, तो इस चक्कर में मैंने ये पर्पल भी ले लिया, आप देख सकते हो, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो चलो आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, गुड नाइट। और हमारे किशुला क्या कर रहा है, किचुला तो देख सकते हो आप, किचा क्या कर रहे हो आप, अल्फाबेट, अल्फाबेट लगाऊंगी, हाँ ये तो वैसे व्लॉग में आप सबने देखा ही था, ये ऋषभ ने कि उन भैया से इतनी रिक्वेस्ट की, इसने इतनी रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे दे दो दे दो, ये वैसे 150 में दे रहा था वो भैया, फिर है ना ऋषभ ने रिक्वेस्ट करके उसको 100 रुपीज दिए थे अपन ने ना ऋषभ, और ऋषभ को देख सकते हो, ऋषभ ने भी कपड़े चेंज किए ना, उस चक्कर में देख सकते हो आप, ऋषभ को दिखाओ ना उल्टे, ऋषभ को पता भी है उल्टे। चलो ठीक है गाइस, बाय, ऋषभ आप भी बोलो सब, हमें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं कल आपको, ठीक है, बाय, गुड नाइट।